फिर से उड़ेंगे MiG-21 विमान, दिल्ली में एक बार फिर उड़ेंगे MiG-21 विमान। वायुसेना ने कुछ दिन पहले इन्हें ग्राउंड कर दिया था, लेकिन अब तकनीकी जांच के बाद इनके ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है। 50 MiG-21 विमानों की अलग अलग जांच के बाद इसकी जो रोक थी उसे हटा दी गई है। 8 मई को आपको बता दें हनुमानगढ़ हादसे के बाद पर इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी, पाबंदी लगा दी गई थी और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की उड़ानों को भी अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें एक बार फिर से MiG-21 विमान जो ग्राउंडेड कर दिए गए थे, जिनको बंद कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, अब फिर से उड़ सकेंगे। तकनीकी जांच के बाद में इनके ऊपर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर एक बार फिर से MiG-21 विमान पूरी तकनीकी जांच के बाद में उड़ाए जाएंगे। 8 मई को हनुमानगढ़ हादसे के बाद पर इस पर रोक लगा दी गई थी। आपको बता दें इस हादसे में जिस मकान के ऊपर ये गिरा था वहाँ पर दो महिलाओं की जो है मौत हो गई थी। इसके बाद से इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ में। राजीव, क्यों हटा दी गई है रोक MiG-21 के ऊपर से, कैसे हुआ ये? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से MiG-20 विमान लगातार क्रैश हो रहा था और कई घटनाएं सामने आ गई थी, एक साल में देखा गया कि कई घटनाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। और जब हनुमानगढ़ में जब MiG-20 प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद लगातार सवाल खड़े हुए, कमेटी भी गठित की गई थी जाँच को लेकर के, और कहा गया था कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जो है यह MiG-20 विमान उड़ाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी कई घटनाएं घटी थी। तो कई देखा जाए तो जो इंटरनल बैठकें हुई थी उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया गया और इसमें जो रिपोर्ट में आया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लगातार जो घटनाएं घट रही है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल जो गड़बड़ी है इसको दूर करने की जरूरत है। और इस पे जो है जब रिपोर्ट जब तैयार कर लिया गया और यह देखा गया कि आने वाले समय में इससे कोई खतरा नहीं है, जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान जब ये पायलट जब इसको उड़ाते हैं तो कई बार क्रैश की बात सामने आई थी और हनुमानगढ़ में जब जी राजीव, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी जो यूनिट है जिसने पूरी विमानों की जाँच की है, हर एक विमान की जाँच की गई, उसके बाद में जो 50 MiG-21 जो उन्हें ठीक लगे उनको जो है उड़ाने की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी फिर से। बिल्कुल, इनको उड़ाने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है क्योंकि MiG-20 विमान जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे में लगातार जब घटनाएं घटी तो सवालिया निशान खड़े हुए थे और उसके बाद जब एक जांच रिपोर्ट तैयार किया गया है कमेटी की गठित। बिल्कुल, क्योंकि राजीव इन्हें तो उड़ता ताबूत कहा गया था, फ्लाइंग कॉफिन के नाम से MiG-21 कहलाए जाने लगे थे और अब जो है ये रोक हटा दी गई है तो कहीं ना कहीं शायद सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया होगा। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा जैसी बहुत से अभिमान देश के लिए महत्वपूर्ण है और यही जो है जरूरी है। तो जो घटनाएं घट रही थी उसके बाद जांच कमेटी गठित किया गया था, इसमें इंटरनल रिपोर्ट तैयार किया गया और रिपोर्ट के बाद जो निर्णय लिया गया है कि अब जो है जो उड़ाने से जो रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है, अब विमान को उड़ाया जा सकता है और उड़ाने से पहले तमाम गाइडलाइन जारी किया गया है कि फ्लाइट को उड़ाने से पहले विमान को उड़ाने से पहले पर तकनीकी रूप से इसकी जांच करनी जरूरत है। तो अब तकनीकी रूप से पहले जांच किया जाएगा, उसके बाद विमान को उड़ाया जाएगा। तमाम जो खामियां थी उनको दूर करने की पूरी कोशिश की गई है, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, एक गाइडलाइन दिया गया है और उसके बाद जो है यह मंजूरी दी गई है कि अब जो है MiG-20 विमान उड़ाया जाएगा। और इस तरह की राजीव हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से भी पाबंदी हटा दी गई है, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटनाएं घटी थी तो उसके बाद लगातार चिंता का विषय बन गया था और जो वायुसेना के जो अधिकारी हैं इस पर बैठक भी किए थे और बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया गया, पूरी रिपोर्ट जो है रक्षा मंत्री को भी दिया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी जानकारी दी गई थी और उसके बाद इस पर रोक लगाया गया था। लेकिन अब जो करीब महीने भर होने जा रहा है एक रिपोर्ट तैयार किया गया, इस दौरान टेक्निकली रूप से जांच की गई कि कहाँ पे क्या फॉल्ट होता है और किस तरह से विमान इस तरह से लगातार क्रैश होता है। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी दिल्ली से राजीव तिवारी, जिन्होंने बताया कि MiG-21 की जांच की गई है, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, इसे रक्षा मंत्रालय को भी भेजा गया जिसमें कई विशेषज्ञ जुड़े, एक्सपर्ट जुड़े और उसके बाद में चेकिंग के बाद में गाइडलाइन नहीं जारी हुई है जिसके बाद MiG-21 विमानों को जो है उड़ाने की अनुमति दे दी गई है, इनके ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है। आपको बता दें 8 मई को जो हादसा हुआ था जहाँ पे हनुमानगढ़ में क्रैश हो गया था और इसमें मकान गिर गए थे, कई लोगों की मौत भी हो गई थी, इसके बाद से इस पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब इसके ऊपर से रोक हटा दी गई है।